बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। ऑल फॉर यू कुकिंग एंड व्लॉग के किचन में आप सबको खुश आमदीद। आज मैं बना रही हूँ कीमे और प्याज के समोसे। तो रमज़ान के लिए स्टोर करके रख लें आप भी, और बहुत ही आसानी हो जाएगी, झटपट से काम हो जाएगा। जब दिल करें फ्राई करें निकाल के, और पूरे महीने के लिए महफूज करें। तो मैंने एक पाव कीमा लिया है, ऑयल नहीं डालना इसमें, याद रखिएगा ये बात, बिल्कुल घी ऑयल नहीं डालना। एक पाव कीमा लेके कढ़ाई में मैंने चढ़ा दिया है। यहाँ पर मैं डालूँगी एक खाने का चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट, नमक हसबे ज़रूरत, ठीक है। और हम इसकी भुनाई शुरू करेंगे। ठीक है, बिल्कुल स्लो फ्लेम पर, ताकि कीमे का अपना पानी निकले। कीमे को हमने स्लो फ्लेम पर ढक के पकाया है, और कीमा जो है वो गल चुका है। अब हम इसमें मसाले डालेंगे। ज़ीरा पाउडर है आधी चाय के चम्मच, धनिया पाउडर आधी चाय के चम्मच, गरम मसाला चम्मच आधी चाय के चम्मच है, थोड़ी सी अजवाइन ली है आधी चाय के चम्मच, कुटी हुई लाल मिर्च ली है, और हल्दी पाउडर लिया है। नमक हम पहले ही डाल चुके हैं। ये तमाम मसाले इसमें डाल देते हैं, और एक से दो मिनट ड्राई रोस्ट कर लेते हैं इसको। इसी तरह ऑयल नहीं डालना, याद रखिएगा ये बात। बहुत ही ज़बरदस्त आपके समोसे बनने वाले हैं इंशाल्लाह। आपने रेसिपी को एंड तक देखना है, लाइक कमेंट शेयर करना है, और वीडियो को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को भी प्रेस करना है, ताकि जल्दी से मेरा चैनल भी मोनेटाइज हो जाए और मेरी हौसला अफजाई हो और आपको नोटिफिकेशन भी मिलता रहे। कीमे को हमने ठंडा कर लिया है, अब हम इसमें डालेंगे हरा धनिया। थोड़ी ज़्यादा मिकदार में डाल देंगे। कटी हुई प्याज डालेंगे, और प्याज जो है वो थोड़ी बारीक कटी हुई डालेंगे, मिक्स करेंगे। अभी इसमें मज़ीद काली मिर्ची शामिल करेंगे, एक चाय का चम्मच, ज़ीरा पाउडर आधी चाय का चम्मच, और धनिया पाउडर आधी चाय का चम्मच, और गर्म मसाला मैं आधी चाय का चम्मच मज़ीद ऐड कर चुकी हूँ, किसी वजह से मैं वीडियो नहीं बना पाई। अब हम इसको अच्छा सा मिक्स कर लेंगे। बेहतर यह है कि आप इनको हाथों से मिक्स कर लें, ताकि प्याज अच्छी से मिक्स हो जाए इनके साथ, इस तरीके से, क्योंकि कमर्शियल जो है वो इसी तरीके से मिक्स किया जाता है, ताकि सब चीज़ें आपस में यकजान हो जाएं। ठीक है, आपने देखा कि ऑयल बिल्कुल भी शामिल नहीं किया, और मैं आपको बाज़ार वाले समोसे बता रही हूँ, जो कमर्शियल हम बाहर से खाते हैं कीमे और प्याज के समोसे, ये वो समोसे हैं। ठीक है, ये देखिए इस तरह थोड़ा सा मसल मसल के, यहाँ आप नमक मिर्च चेक कर सकते हैं, आप देखें कि किस तरह हमने तैयार कर लिया हमेशा। ये देखें, ये रेडी हो गया है। अभी इसमें सिर्फ हरी मिर्ची मैंने शामिल करनी है। और हमने ली है समोसा पट्टी, और समोसा पट्टी आप खुद भी बना सकते हैं, और बाज़ार से तैयार भी ले सकते हैं। और अगर आप खुद बनाना चाहते हैं तो मेरे चैनल पर जाकर आप देख सकते हैं, मैंने समोसा पट्टी की रेसिपी दी हुई है। और यहाँ पर हमारी स्टफिंग जो है वो तैयार है, और देखें कैसी ड्राई स्टफिंग है। और यहाँ पर हमने लई तैयार की है, दो चम्मच मैदा और थोड़ा सा पानी डालकर हमने इसकी लई तैयार कर ली है। अब मैं आपको बताती हूँ कि हमने किस तरीके से समोसे तैयार करने हैं। ये देखें, इस तरीके से हम रखेंगे। ये देखें, यहाँ हम किनारे पे थोड़ी सी लई लगाएंगे, ठीक है, और समोसे को इस तरीके से रखेंगे। ये देखें, किनारा ये थोड़ा सा बाहर है, ठीक है, इसको हम बाद में इसकी फिलिंग करेंगे। ये देखें, इस किनारे पे भी हम लई लगा लेंगे जो बाहर की साइड पे है, ताकि इसको भी अच्छे से बंद कर लें। एक हाथ से मुझे थोड़ी सी मुश्किल हो रही है, लेकिन मैं आपको दिखाने के लिए ऐसा कर रही हूँ। ये देखें, अब ये हमारे पास एक पॉकेट तैयार हो गई है, इसमें हम फिलिंग डाल लेते हैं। ये फिलिंग हमने डाल ली है, अब हम इसी तरह इसको फोल्ड कर लेंगे इस साइड पे। ये देखें, और इस तरह उठाएंगे, और इसको मज़ीद जहाँ जहाँ ये तिकोन बनती है, हम उसी तरीके से इसकी तिकोन बनाते जाएंगे। ठीक है, ये देखें, और लास्ट वाले हिस्से पर लई लगाकर हम जोड़ देंगे आपस में। मैं आपको जोड़ के दिखाती हूँ। अच्छा जी, देखें तमाम समोसे जो है ना वो मैंने तैयार कर लिए हैं।
तो अब मैं इसको एक प्लास्टिक बैग में डालकर और मैं फ्रीज़र में रख दूँगी, और जब मुझे ये निकालने होंगे तो मैं 1-2 घंटा पहले निकाल के रखूँगी और मैं इसको फ्राई कर लूँगी। तो मैं आपको फ्राई करके भी दिखाऊँगी, लेकिन ये पहले फ्रीज़ हो जाए तो उसके बाद। अच्छा जी, समोसे जो थे वो फ्रीज़ हो चुके थे, तो मैंने इसको 2 घंटे पहले निकाल के रखा है। अभी भी जो है ये काफ़ी हद तक फ्रीज़ ही हैं, मतलब पिघले नहीं हैं बहुत ज़्यादा, लेकिन इतने हो गए हैं कि हम इनको फ्राई कर सकें। तो ये मैंने आपको दिखाने के लिए यहाँ पर समोसे फ्राई करने के लिए रखे हैं, ठीक है। और यहाँ पर मैंने घी भी रखा हुआ है गर्म करने के लिए। तो घी हमारा गर्म हो गया है, हम घी को फुल गर्म करने के बाद मीडियम कर दिया है ताकि अच्छे से फ्राई हो जाए। ठीक है, दोनों साइडों से अच्छे से सेक लेंगे हम मीडियम फ्लेम पर, और देख लें कि कितने अच्छे फ्रीज़ करने के बाद भी कितने अच्छे ये फ्राई हो रहे हैं। तो आप लोग भी स्टोर कर सकते हैं इसको इसी तरह, जब दिल करे आप निकाल कर अफ्तारी के टाइम, या फिर जब मेहमान आए, या जब आपका दिल करे शाम की चाय के साथ, तो आप इसको फ्राई करके खा सकते हैं और चटनियों के साथ सर्व करें। तो थोड़ी देर के बाद हम पलट देंगे इसको, 1 मिनट के बाद तकरीबन, बिल्कुल नहीं टूटेंगे, ये टेंशन मत लीजिएगा इस बात की। ये देखें बस हल्का सा प्यारा सा गोल्डन कलर करके आप इसको निकाल लें। तो अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, और कमेंट करके लाजमी बताइएगा वीडियोस कैसी लगती हैं आपको, क्योंकि मैं बहुत मेहनत से वीडियोस बनाती हूँ, आप लोगों के लिए बनाती हूँ, और आप लोग ही इसको देखते हैं। देखने के बाद जो है आपने कमेंट करना होता है, तो क्योंकि मुझे इससे खुशी मिलती है, मेरी हौसला अफजाई होती है, तो ज़रूर ये काम कीजिएगा, लाइक का बटन लाजमी दबाइएगा। तो फ्राई करके मिलती हूँ आपसे। तो अल्हम्दुलिल्लाह जी, समोसे हमारे तैयार हो गए हैं, बहुत ही क्रिस्पी और बहुत गर्म है। अभी मैं आपको तोड़ के नहीं दिखा सकती, लेकिन ये देखें इसकी आवाज़ आप सुन सकते हैं कि कितने क्रिस्पी हैं। साथ में एक चटनी है, हरी चटनी, और इसकी रेसिपी जो है वो मैं आपको दे चुकी हूँ। तो आज की वीडियो, आज की रेसिपी आपको कैसी लगी? अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर लाजमी करें, जो जो मैंने कहा है वो करें, ठीक है ना। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।